सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेकंड लेक्चर। आज बात करेंगे कोलिनर्जिक इकोनॉमिस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिनर्जिक इकोनॉमिस्ट को ही डिस्कस किया था और उसमें पहली क्लास को हमने कवर कर लिया था, दैट वाज अबाउट डायरेक्ट एक्टिंग इकोनॉमिस्ट। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग इकोनॉमिस्ट रिवर्सिबल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग इकोनॉमिस्ट इरिवर्सिबल। तो बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग इकोनॉमिस्ट की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोलिनर्जिक इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं ये तो आपको पता चल चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और डायरेक्ट एक्टिंग कर लिया था, इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो कि एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिनर्जिक, वो एंजाइम क्या किया करता था आप इस डायग्राम को समझिएगा देखकर। वो जो अभी ज्वाइन कर रहा है इस लेक्चर से या जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को भी सुना है उनको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक नर्व टर्मिनल का एंडिंग है, प्री साइनेप्टिक रीजन इसको हम कह देंगे, और ये जो स्पेस होता है, एरिया होता है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ये एरिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक एरिया हो गया। अब आपको मालूम है कि जो एसिटाइल कोलीन है वो वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे मेम्ब्रेन के करीब आता है और पूरा एक मैकेनिज्म होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइल कोलीन करवा चुकी हूँ मैं, और एसिटाइल कोलीन यहाँ पे फिर रिलीज कर दिया जाता है। अब दो चॉइस होती है उसके पास, एक तो ये कि वो इस पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, और सेकंड चॉइस क्या होती है कि कुछ एसिटाइल कोलीन मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, वापस इस प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ भी बाइंड करते हैं नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और क्या होता है, जो यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एसिटाइल कोलीन होते हैं उनका क्या होता है, उनके लिए मैंने बताया था कि उस एसिटाइल कोलीन को डिग्रेड कर दिया जाता है, मीन्स कोलीन मॉलिक्यूल अलहदा हो जाता है जो कि वापस रीसाइक्लिंग में चला जाएगा, और जो एसिटेट मॉलिक्यूल है वो अलहदा हो जाता है। क्या हुआ, एसिटाइल कोलीन को तोड़ दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, एसिटाइल कोलीन की ब्रेकडाउन हो गई और एसिटेट ग्रुप अलग हो गया और कोलीन मॉलिक्यूल अलग हो गया। सवाल ये किसने ब्रेकडाउन की, जवाब ये है ये रिएक्शन जो करवाया वो एक एंजाइम ने करवाया, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस। इस एंजाइम का क्या नाम है आपको मालूम भी है, पहले भी करवा चुकी हूँ, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस हम कहते हैं इस एंजाइम को। ठीक है, इसको कंसीडर कर लीजिए कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस लिखा गया है। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल ड्रग्स हैं, ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एगोनिस्ट है, ये किस तरीके से काम करते हैं। ये कुछ ऐसे काम करते हैं कि ये एगोनिस्ट जो रिवर्सिबल है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है, वो क्या करते हैं, इस एंजाइम को ही जाकर के इनहिबिट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए ये एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस और ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, यहाँ पे बाइंड करना था किसने, एसिटाइल कोलीन में, और फिर बाइंड होने के बाद वो डिग्रेड हो जाया करता था कोलीन में और एसिटेट में। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस जो एंजाइम है इसी पे आके इन एगोनिस्ट में, जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एगोनिस्ट है, वो आके बाइंड कर जाएंगे एक्टिव साइट पे और एसिटाइल कोलीन को बाइंड करने नहीं देंगे। तो जब एसिटाइल कोलीन बाइंड नहीं होगा तो ये एंजाइम अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा, और इससे ये होगा कि एसिटाइल कोलीन जो है उसकी एक्यूमुलेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो रहा, वो बल्कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा, एंजाइमेटिकली वो क्लीव नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब उसने जो भी एक्शन अपना परफॉर्म करना हुआ करेगा, उसको जो भी काम है, उसको जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा और वो बाइंड करेगा मस्केरानिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ, तो फिर वहां पे वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग दिस एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम, और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हम अब यहाँ पे कौन कौन सी एगोनिस्ट को, कौन कौन सी ड्रग्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइजोस्टिग्मिन है, नियोस्टिग्मिन है, इसके अलावा हमारे पास डेमिकेरियम है और एड्रोफोनियम है और पायरिटोस्टिग्मिन है, एम्बिनोमियम है, ट्रैक्रिन, ड्रोनाजेपिन एंड रिवास्टिग्मिन है हमारे पास। पहली ड्रग को हम शुरू करते हैं, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आ चुका है, तमाम के तमाम
जो भी मैंने नाम बताया इन अगोनिस्ट में क्या करना है, इन तमाम के तमाम अगोनिस्ट में सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉलो करना है, सेम स्ट्रेटेजी होगी, क्या होगी कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए। जब वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो खुद ब खुद एसिटाइल कोलिन सेव होगा और वो स्टार्ट टू एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जो भी वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है वहां पर जो इफेक्ट उसने प्रोड्यूस करना होगा वो कर देगा। बस डिफरेंस क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस क्या होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलर है और कौन सा लेस पोलर है, बस ये फर्क होगा। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फाइसोस्टिग्मीन। देखिए ये टर्शरी अमाइन ग्रुप है, टर्शरी अमाइन मीन्स एक नाइट्रोजन यहाँ पे कम है तो जरा ये लेस पोलर हो गया, ये इतना हाईली पोलर नहीं है। पोलर क्या होता है, जिस पर चार्ज होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैं इसे काफी डिटेल में समझा चुकी हूँ, इसको इस बात को समझने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर उस लेक्चर को सुन सकते हैं। यानी क्वार्टरनरी नहीं है बल्कि यहाँ पर टर्शरी, और टर्शरी मतलब तीन, तीन मीन्स तीन नाइट्रोजन है, एक कम है तो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जो है वो चार के बजाय तीन है, तो ये लेस पोलर हो गया। रिवर्सिबली फाइंड करेगा ये फाइसोस्टिग्मीन जो है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के साथ, और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। दोनों मस्केरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर से ये बाइंड करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो इनका होता है दैट इज 2 to 4 hours। काम क्या है इनका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, जैसे ही ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ मींस मस्केरेनिक और निकोटिनिक किसी के साथ भी जैसे ये बाइंड करेंगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी जो है उसको ये इंक्रीज कर देंगे, इसके अलावा जो ब्लैडर मोटिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर देंगे। टॉपिकली हम इसको यूज करते हैं आई में, और मायोसिस ये कॉज करवाता है। मायोसिस को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पिपल को कहते हैं। इंट्राऑक्युलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए काफी यूजफुल है ये, बट हमने ये देखा है कि ग्लाउकोमा हो या इंट्राऑक्युलर प्रेशर को उसको डिक्रीज करना, उस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी, इनके थेरापेटिक यूजेस में हमने जो देखा है वो पाइलोकार्पिन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फाइसोस्टिग्मीन। ओवर डोजेस अगर किसी ने ले ली है एट्रोपिन की, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स जो होती हैं हमारे पास, तो उसके उसको ओवरकम करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम ये फाइसोस्टिग्मीन ले सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होते हैं, ऐसे तो होते नहीं है, लेकिन अगर हाई डोज किसी ने ले ली हो तो फिर एडवर्स इफेक्ट डेफिनेटली ये कॉज करता है, जिसमें कन्वर्जेंस, ब्रेडिकार्डिया, एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, क्योंकि कंटिन्यूसली हम इसको ओवरडोज दे रहे हैं और ये जाके इनहिबिट कर रहा है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ज्यादा कंसंट्रेशन एक्यूमुलेशन हो जाएगी एसिटाइल कोलिन की, जो कि अल्टीमेटली फिर नेगेटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, पैरालिसिस कर देगा स्केलेटल मसल्स का। जो एक आपने इस एगोनिस्ट को समझा है तकरीबन तकरीबन कुछ इसी तरीके से, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा रिमेनिंग में लेकर, उनको डिस्कस करके आप देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव नियोस्टिग्मीन। ये क्वार्टरनरी नाइट्रोजन है, ठीक है, देखें ये ज्यादा पोलर होगा क्योंकि इस पर चार्ज है, और जो ज्यादा पोलर होगा तो फिर वो इतना अच्छा जीआई ट्रैक में वेल एब्जॉर्ब नहीं होता, और सेकंड ये कि फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बैरियर होता है हमारा उसको भी क्रॉस करके सीएनएस में नहीं एंटर हो सकता। ये भी रिवर्सिबली बाइंड करता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के साथ और दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 minutes to 2 hours है, और सेम वही स्ट्रेटेजी के ये जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ब्लैडर मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसकी जो ब्यूटी है, जो इसकी स्पेसिफिसिटी है, वो ये है कि हम इसको मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज में देते हैं, अगर इसकी डायग्नोसिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी। लेट सपोज कोई पेशेंट हमारे पास आया और मायस्थेनिया ग्रेविस उसको डायग्नोज हुआ है, तो जब हम आईवी इंजेक्शन उसको नियोस्टिग्मीन का देते हैं तो ये जाके बहुत रैपिडली रिस्पॉन्स अपना शो करता है और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, और एसिटाइल कोलिन जैसे ही वहां पे एक्यूमुलेट होगा तो फिर वो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द स्केलेटल मसल्स। मायस्थेनिया ग्रेविस है क्या, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एक्चुअली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्या हुआ कुछ एंटीबॉडीज बन गई है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, वो एक जो कनेक्शन होता है ना नर्व का और मसल्स के दरमियान का, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि मूव करना है, जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, तो ये नर्व जब मसल्स के साथ जो कनेक्शन कनेक्ट होती है एंड देन फिर वो जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उस इफेक्ट को, उस कनेक्शन को बिटवीन द नर्व एंड मसल्स को खत्म कर देती है
उसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारी हो जाती है जिसको मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। स्केलेटल मसल बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इनएबिलिटी टू मूव हो जाता है, फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये न्यूज ट्रीटमेंट पे डिपेंड करते हैं। एंटीडॉट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने टर्बोक्यूरारिन ज्यादा ले लिया, ओवरडोज हो गई है, तो उसके एंटीडॉट के लिए हम इसको न्यूज ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाई डोज इसकी ले ली है, वैसे तो देखें ये पोलर है और हाईली पोलर है, ये क्रॉस नहीं कर सकता सीएनएस को, बट अगर और इसके अलावा सेंट्रल जीआई जो हमारा ट्रैक है वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन जरा कम आई है क्योंकि पोलर ज्यादा है, बट अगर किसी ने हाई डोज ले ली है तो फिर एडवर्स इफेक्ट जो होंगे उसमें स्लाइवेशन, फ्लशिंग मीन्स रेडनेस हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इमोशंस, डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, नोजिया होता है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है। CNS में कोई ऐसा इसका इफेक्ट दिखा नहीं गया क्योंकि ये वहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा होता। पाइरिडोस्टिग्मीन एंड एम्बिनोमियम जो है ये दोनों भी इसी एंजाइम के साथ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस के साथ ही बाइंड करते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं और रिवर्सिबली बाइंड करते हैं दोनों रिसेप्टर के साथ, और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है पाइरिडोस्टिग्मीन जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 6 hours जबकि एम्बिनोमियम का 4 to 8 hours respectively, दोनों का यहाँ रचना है। इसका भी सेम कोई मैकेनिज्म अफेक्शन है मायस्थेनिया ग्रेविस के साथ कंडीशन में, इस कंडीशन में इसको थेरापेटिकली यूज करते हैं और सेम वही इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे जो अभी आपने नियोस्टिग्मिन के समझे हैं। नेक्स्ट वी हैव डेमिकेरियम, ये भी क्वार्टरनरी एमाइन है, स्ट्रक्चरली रिलेट करता है किसके साथ, वही नियोस्टिग्मिन के साथ, क्योंकि देखें आपने पहले ही स्टडी कर लिया था कि जो नियोस्टिग्मिन है वो क्वार्टरनरी नाइट्रोजन कंटेन करता है, ये ग्रुप इसके पास होता है, तो स्ट्रक्चरली ये भी सिमिलर है और डेमिकेरियम भी सिमिलर है, सेम ऑलमोस्ट वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, बस उसमें और उसमें फर्क ही होता है कि इसका जो टाइम होता है वो जरा ये रैपिडली काम कर रहा होता है। नॉर्मली जो हम इसको स्पेसिफिक अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की थेरेप्यूटिक यूज की, तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा में हम इसको पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो होती है इज़ोट्रोपिया की, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इज़ोट्रोपिया क्या होता है, देखिए कुछ लोगों की आपने देखा होगा कि जो आई की पोजिशन होती है, अलाइनमेंट जो होती है वो मिस अलाइनमेंट होती है, मीन्स उनकी आईज होती है वो क्रॉस्ड आपको दिखाई दे रही होती है, आपको लग रहा होता है कि वो सामने देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, मीन्स उनकी एक आई की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ तो दूसरी राइट की तरफ होगी, फिक्स नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, अलाइनमेंट में फर्क होता है, इसको हम इज़ोट्रोपिया कहते हैं। ऑलमोस्ट एडवर्स इफेक्ट वही है जो नियोस्टिग्मिन के पाए जाते हैं। एड्रोफोनियम हमारे पास ड्रग है, ये इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है, रिवर्सिबल है, ये भी सिमिलर करता है नियोस्टिग्मिन से, बट इसकी ब्यूटी ये है कि बहुत ज्यादा रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है, उससे बहुत बेहतर है। देखें अगर आप नियोस्टिग्मिन और इसमें फर्क देखें, नियोस्टिग्मिन की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 30 minutes to 2 hours है, जबकि यहाँ पे जो आपके पास एड्रोफोनियम है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज 10 to 20 minutes ओनली, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये रैपिडली अब्जॉर्ब होता है। और इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट वही है क्योंकि मैंने बता दिया था ये सारी वो ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, बाइंड करती हैं उस एंजाइम के साथ, और नॉर्मली और सेम स्ट्रेटेजी इनकी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए हम इसको देते हैं, इसके अलावा रैपिड रिस्पॉन्स शो करता है ये, और जैसे ही हम इसको आईवी अप्लाई करवाते हैं, आईवी देते हैं इंजेक्शन, तो मसल्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्केलेटल मसल्स को पॉजिटिव रिजल्ट शो हो जाते हैं। और एट्रोपिन जो है वो उसकी एंटीडॉट है, और ऑलमोस्ट वही साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं इसके जो नियोस्टिग्मिन के हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पे टैक्रिन टोनेपेजिन और रिवास्टिग्मिन, इसके अलावा गैलेंटामिन भी मौजूद है। देखिए अल्जाइमर डिजीज जो है आपको पता है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, इसमें क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाती है उन न्यूरॉन्स की जिनके पास, या वो न्यूरॉन जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहलाते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉग्निटिव साइड को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ मेमोरी और अदर कॉम्प्लिकेशन उसको हो रही होती है। तो हम ये एगोनिस्ट जो अभी यहाँ पे आपने स्टडी किए हैं, ये तमाम के तमाम एगोनिस्ट हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ये उस बीमारी को खत्म तो नहीं करते बस, बट जो उसकी प्रोग्रेस है उसको स्लो डाउन करते हैं, उसको डिले करते हैं, एंड कॉग्निटिव फंक्शन जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। ये एज सच ये उस बीमारी को खत्म या उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम इन पर डिपेंड नहीं कर सकते, ये सिर्फ उसकी प्रोग्रेस को स्लो करेंगे। अगर इन केमिकल्स को दिया जाए, एगोनिस्ट को दिया जाए, इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जी आई डिस्टर्बेंस ये कॉज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।